दोस्तों आज हम बात करेंगे पैरा स्पेशल फोर्स के लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की वीर गाथा के बारे में, जिन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार है जो किसी को दिया जाता है। वॉर टाइम पे ये सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र होता है, और जब वॉर लाइव नहीं चल रही होती लेकिन देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध कोई कार्य किया जाता है किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा, तब उसे अशोक चक्र दिया जाता है। तो परमवीर चक्र इज इक्वल टू अशोक चक्र, एक लड़ाई के समय पे है, दूसरा शांति के समय पे है। पैरा एसएफ कमांडो मोहननाथ गोस्वामी ने 2015 में सिर्फ 10 दिन के भीतर 3 बड़े मिशन को कामयाब करने में अपना योगदान दिया था, और 11 आतंकवादियों को कन्फ्रंटेशन में मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों याद रहे, वॉर टाइम पे आप हजारों लोगों को बंदूक की नोक पर मार सकते हो, लेकिन जब सामना आतंकवादियों से होता है तो 1-2 आतंकवादी भी अगर छुपे हों तो लड़ाई 18-18 घंटे 20-20 घंटे एक शिफ्ट में चलती है। क्यों? क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी गई है इस तरह से, और जो जगह है वो बहुत ही संकीर्ण होती है, तो उसमें ऑपरेशंस को परफॉर्म करना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो इसीलिए नंबर ऑफ दुश्मन की अगर आप गणना करें तो वॉर में वो आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन क्रिटिकलिटी में 11 आतंकवादियों को मारना एक अपने आप में बड़ी उपलब्धि है, जिसको सेना ही समझ सकती है, जिसके आधार पर मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आप उनके पराक्रम की गाथा सुनेंगे तो आपकी अश्रुधाराएं बह निकलेंगी। आप देखिए किस तरह से उन्होंने वीरता का परिचय दिया। गोस्वामी उत्तराखंड के हिल स्टेशन नैनीताल के रहने वाले थे। उनका गांव लाल कुआं नैनीताल से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है। 21 अगस्त 2015 का दिन था। युवा कैप्टन दीपेश मेहरा की कमान में स्पेशल फोर्स का एक दस्ता गांव में छिपे हुए आतंकवादियों का सफाया करने के लिए भेजा गया। यह उत्तरी कश्मीर के हिंदवाड़ा जिले के समीप खुरमुर गांव में ऑपरेशन चलना था, जहां आतंकवादियों के छिपे होने की खबर मिली थी। खुफिया सूचना पक्की थी। 3 आतंकवादी नियंत्रण रेखा को पार करके 6 और आतंकवादियों को लेने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए आने वाले थे। जिस एरिया में खुफिया जानकारी मिली थी कि आतंकवादी वहां पर आएंगे, वहां पर पैरा एसएफ ने मोर्चाबंदी कर ली। खुफिया जानकारी को उपलब्ध कराना सर्विलेंस का काम होता है। जनरली बहुत सारी एजेंसी डिफरेंट डिजिटल मीडियाज पे नजर रखती हैं और खुफिया जानकारी को एकत्रित करती हैं। कैप्टन मेहरा की टीम को खुरमुर गांव में 3 फाये नजर आए। जानकारी के हिसाब से भी 3 आतंकवादी थे, तो पॉसिबिलिटी पूरी थी कि ये वही 3 आतंकवादी होंगे, लेकिन ये गांव के लोग भी हो सकते थे, लकड़हारे भी हो सकते थे, या ये भी पॉसिबिलिटी नकारी नहीं जा सकती थी कि किसी और रेजिमेंट के सैनिक उधर से गुजर रहे हों। सो एज पर द प्रोटोकॉल अंधाधुंध फायरिंग नहीं करी जाती है जब तक पुख्ता सबूत ना मिल जाए कि यही वो आतंकवादी हैं जिन्हें हमें मारना है। और यही बड़ी चैलेंजिंग टास्क होती है, जिसमें आतंकवादी की पहचान की जाती है कि ये वही है, ताकि हम गोली चला सके या उसको सरेंडर के लिए बोल सके। अब स्थिति अनुसार उन्हें चैलेंज प्रोटोकॉल का सहारा लेना पड़ेगा। ये प्रोटोकॉल बहुत ही खतरनाक होता है, जिसमें सामने वाले को आवाज देकर बुलाया जाता है और सुनिश्चित किया जाता है कि ये व्यक्ति कौन है। इस प्रोटोकॉल में सामने दिख रहे शख्स के बेहद करीब जाकर उसकी पहचान की जाती है। जैसे ही कैप्टन दीपेश की टीम ने आतंकवादियों को आवाज लगाई और उन्हें पुकारा, तुरंत आतंकवादियों ने दस्ते की तरफ गोलियां चलानी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई की गई, किंतु तब तक कैप्टन मेहरा को गोली लग चुकी थी। उधर उधमपुर में पैरा एसएफ के हेडक्वार्टर में गोस्वामी और मेजर अनुराग की टीम को एक और अन्य मिशन पे भेजने के लिए रवाना कर दिया गया था, किंतु रेडियो पर लगातार खबरें मिल रही थी, जो कि खुरमुर गांव से भी आ रही थी, कि कैप्टन दीपेश मेहरा
कि टीम जख्मी हो गई है और अभी आतंकवादियों को ढेर नहीं किया जा चुका है, मिशन अभी इनकम्प्लीट है। सो वहां पर भी स्थिति असमंजस की बनी हुई थी। खैर, हमारे वीर गोस्वामी मेजर अनुराग की टीम के साथ थे और वो अपने मिशन के लिए निकल चुके थे। उनके मिशन के हिसाब से 10 आतंकवादियों के होने की खबर थी जिन्हें उन्हें मुठभेड़ में मारना था। लेकिन बार बार गोस्वामी ये बोल रहे थे कि रास्ते में हमें वो जगह भी आएगी जहाँ पे दीपेश मेहरा की टीम घायल पड़ी है, क्यों ना उनकी भी मदद की जाए। हो सकता है हम समय पर पहुंच जाएं तो उन लोगों को बचा लिया जाए, हो सकता है हम मिशन कंप्लीट करने में उनकी मदद कर दें, नहीं तो उम्र भर ये पछतावा रहेगा कि हम कैप्टन साहब को बचा सकते थे और हमने बचाया नहीं उनको। वो बार बार मेजर अनुराग से गुहार लगा रहे थे कि सर रास्ते में ही पड़ेगा, मेन सड़क से 20 मिनट की दूरी होगी जहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है, हम वहाँ पे जाके उनकी मदद कर सकते हैं। कैप्टन अनुराग को अपने मिशन के बारे में भी सोचना था और दिल से नहीं दिमाग से काम लेना था, क्योंकि उनकी टीम भी खतरे में पड़ सकती थी उस मिशन की, जिनके बारे में उनके पास बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है। मेजर अनुराग याद करते हुए बताते हैं कि एक टीम कमांडर के नाते मुझे पूरे दस्ते की जिम्मेदारी दी गई थी, तो मुझे उस पूरे दस्ते के हर एक बंदे की जिंदगी के बारे में सोचना था। रेडियो पर जानकारी मिली कि खुरमुर के आतंकवादियों के पास ऑटोमेटिक क्लाश निवो मशीन गन है, आमने सामने की लड़ाई में पैरा कमांडो को इनका इस हथियार का सामना करना बहुत ही भारी पड़ सकता है। इससे भी बुरा तब लगा जब खुरमुर में आतंकवादियों से लड़ रहे दस्ते दीपेश मेहरा के दस्ते की खबर आनी बंद हो गई और संदेश उस दस्ते की तरफ से बिल्कुल ही आने समाप्त हो गए। अब आशंका जताई जाने लगी, क्या सब खत्म हो चुका है, क्या मिशन फेल हो चुका है, कैप्टन दीपेश जीवित भी है या नहीं। और लगातार गोस्वामी मेजर साहब के आगे गिड़गिड़ा रहा था कि सर हम मदद कर सकते हैं, वो हमारी ही फौजी हैं। आखिर में मेजर कुमार ने एक बड़ा जटिल निर्णय लिया और उन्होंने कहा कि मेरे पास असला भी है, मेरे पास आदमी भी हैं, इस समय नए 10 आतंकवादियों को मारने से ज़्यादा ज़रूरी है अपने सैनिकों की रक्षा करना। तो उन्होंने कहा कि हम उस टीम की मदद करेंगे और गाड़ी को मोड़ने का आदेश दिया। खुरमुर के कॉन्टैक्ट साइट तक पहुँचने से पहले ही 200 मीटर दूरी पर गोस्वामी ने ड्राइवर से लाइट्स बंद करने के लिए कहा और अंधेरे में गाड़ी चलाने के लिए कहा। जैसे ही लाइट बंद की गई, अंदाजा सही था, आतंकवादियों ने उन्हें देख लिया था, अंधाधुंध फायरिंग उनकी गाड़ी पर शुरू हो गई। पैरा कमांडोज के चारों योद्धा गाड़ी से उतर गए और घने जंगलों को चीरते हुए आतंकवादियों की तलाश में आगे बढ़ने लगे। मेजर अनुराग याद करते हुए बताते हैं कि मोहननाथ गोस्वामी हमेशा सबसे आगे चलते थे, यह सबसे खतरनाक पोजीशन होती है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, इसे स्काउट पोजीशन कहा जाता है। मैं उन्हें अक्सर कहा करता था, गोस्वामी आप ये पोजीशन अब छोड़ दें, अपनी सीनियरिटी के बारे में सोचें। पर गोस्वामी बहुत ही साधारण लहजे में बोला करते थे कि सर आप ही बताएं, मुझसे अच्छा और कौन कर सकता है स्काउट पोजीशन को हैंडल, कोई ऐसा काबिल लड़का मिलेगा तो मैं खुद ही पोजीशन छोड़ दूंगा, या आपको कोई लगता है तो आप बता दें, मैं ये पोजीशन उसे दे देता हूँ। पर वस्तुतः मैं निरुत्तर हो जाता था क्योंकि बात बिल्कुल सही थी, स्काउट पोजीशन के लिए गोस्वामी वॉज द परफेक्ट पर्सन। चारों कमांडोज जमीन पर लेट गए और रेंगते हुए अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ने लगे। खुरमुर गाँव के किनारे ही हंदवाड़ा के घने जंगलों से ढकी हुई पहाड़ियाँ थी। अंधेरे में सामने वाली पहाड़ी पर आतंकवादी अपने हथियारों के साथ मौजूद थे, पर सबसे बड़ी समस्या अभी ये थी कि आतंकवादियों के साथ साथ वहाँ पर कैप्टन दीपेश मेहरा की टीम भी मौजूद है जिससे संपर्क नहीं हो रहा है। अंधेरे में आमने सामने की फायरिंग में कहीं ऐसा ना हो कैप्टन दीपेश की टीम चपेट में आ जाए या कैप्टन दीपेश की टीम उन्हें आतंकवादी समझकर उनके ऊपर फायर कर दे। ये सबसे ज़्यादा विकट परिस्थिति थी जिसको इमीडिएटली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। इस दरमियान गोस्वामी और 3 अन्य पैरा एसएफ कमांडोज सरकने लगे उस दिशा की तरफ जहां आतंकवादियों के होने का अनुमान था और एक बड़े से पेड़ की आड़ में अपना मोर्चा संभाल लिया। गोस्वामी तेजी से मेजर कुमार के पास गए और उन्हें कहा कि सर कम्युनिकेशन सेट पर ये संदेश दे दें आप दूसरे दस्ते को कि अपनी पोजीशंस को बताने के लिए हम फ्लैशलाइट ऑन कर रहे हैं,
हालांकि ये बेहद खतरनाक कदम हो सकता था क्योंकि फ्लैशलाइट ऑन करते ही मेजर अनुराग की टीम की पोजीशंस ना सिर्फ कैप्टन मेहरा को मिलती बल्कि आतंकवादियों को भी बिल्कुल सटीक पोजीशंस मिलती। और इस समय और कोई चारा भी नहीं था, हुआ भी बिल्कुल अनुमान के हिसाब से। जैसे ही फ्लैशलाइट ऑन करके ऑफ की गई, तुरंत उन पे ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई आतंकवादियों की तरफ से। कैप्टन मेहरा की टीम सरकते हुए मेजर अनुराग की टीम के पास पहुंच गई, जिसे गोस्वामी ने कैप्टन को उठाया, अपने कंधे पे डाला और दूसरे हाथ से गोलियां चलाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। ये ऑपरेशन सारी रात चला और रात भर की गोलाबारी के अंदर वो सभी आतंकवादियों को मार गिराया गया, जिसका श्रेय मेजर अनुराग को दिया गया और बाद में उन्हें शौर्य चक्र से भी नवाजा गया। इस पूरी टीम में, इस पूरे ऑपरेशन में गोस्वामी का बहुत अहम योगदान था। उनकी बुद्धिमत्ता, रणकौशल और व्यवहारिकता ने इस मिशन को कंप्लीट करने में बहुत सहयोग दिया था। अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने ना सिर्फ कैप्टन मेहरा को बचाया बल्कि उनके ऑपरेशन को भी कंप्लीट कर दिया था।